स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बात शिक्षा विभाग की करेंगे, क्योंकि बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक्शन मोड में है। जब आदेश यहाँ से जारी किया गया कि कोई भी शिक्षा किसी भी तरह का संघ नहीं बना सकते, यहाँ की यानी कि जो टीचर्स हैं वो किसी भी तरह का संघ नहीं बनाएंगे। इतना ही नहीं, स्कूल्स में ड्यूटी आवर भी यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं और यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस के साथ साथ यूनिवर्सिटी तक शिक्षा में सुधार की पूरी कोशिशें की जा रही है, लिहाजा एक्शन और रिएक्शन धुआंधार चल रहा है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा में सुधार के लिए लगातार एक्शन में हैं। स्कूल कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक में कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे शिक्षकों में नाराजगी है। के पाठक ने किसी भी तरह के संघ नहीं बनाने का निर्देश दिया है तो प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार भड़क गए। मनोज कुमार ने कहा, यह मौलिक अधिकार का हनन है। 1949 से प्राथमिक शिक्षक संघ रजिस्टर्ड है। अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति और सीजेआई को पत्र लिखेंगे। फिर पता नहीं ये लोग संचिका देखते हैं या नहीं देखते हैं, इस तरह का पत्र किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने निकाला मुझे नहीं पता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि संघ बनाना और संगठन की सदस्यता लेना शिक्षकों का मौलिक अधिकार है। अब पूरी खबर को एक सिरे से समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल खबर है कि बिहार में शिक्षकों को चुनाव कार्य में ड्यूटी लगाई जाएगी, जिससे शिक्षक नाराज हैं। शिक्षक संघ बनाने की अनुमति नहीं है, जिससे शिक्षक नाराज हैं। स्कूल की टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है, जिससे शिक्षक नाराज हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार का सवाल है कि ये कैसे संभव है कि पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को जितना समय पढ़ाया जाएगा उतना ही समय दसवीं और बारहवीं के छात्रों को। प्राथमिक के साथ प्लस टू सबको मिला दिए तो यहाँ पर 1 to 8 में बच्चे रहते हैं और उनको मात्र 200 दिन 1 to 5 और 220 दिन 6 to 8 को पठन पाठन की करने की चर्चा शिक्षा के अधिकार अधिनियम में है। फिर इतना दिन कर दिए बच्चे, और वो भी घंटा 8-8 घंटा, उतने देर बच्चों को रोकना ये संभव नहीं है। नाराजगी की एक वजह छुट्टियों का कैलेंडर भी बताया जा रहा है। बेतिया में 6 शिक्षकों पर इसलिए गाज गिर सकती है कि सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि बेतिया में 6 शिक्षकों ने व्हाट्सएप ग्रुप में शिक्षा विभाग के फैसलों पर चैट किया। चैट में विभाग की ओर से जारी छुट्टी तालिका पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद 6 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस थमाई गई है। 24 घंटे के अंदर जवाब नहीं देने पर FIR और बर्खास्त करने की बात कही गई है। शिक्षा में सुधार और एक्शन से जुड़ी एक और खबर है। के पाठक के आदेश के बाद यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ के महासचिव MLC संजय सिंह की पेंशन रोक दी गई है। लेफ्ट पार्टी के MLC संजय सिंह के पाठक के आदेश के खिलाफ धरना देने की तैयारी में हैं। आज के बाद जब हम इससे निवृत्त हो जाएंगे तो हम पटना जाएंगे और हम इसकी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। नहीं, कैसे छोड़ेंगे? इसके लिए कहाँ कोर्ट में जाएंगे? हम कोर्ट में जाएंगे। पहले तो हम बिहार विधान परिषद के हम शिक्षक प्रतिनिधि हैं, सदस्य हैं, उस नाते हम इन पर मोशन भी पेश करने का मन बनाए हैं। MLC संजय सिंह पर मीडिया में बयानबाजी का आरोप है। हालांकि कांग्रेस मानती है कि शिक्षक संघ होना चाहिए। ये कभी भी शिक्षा विभाग को ऐसा फरमान जारी नहीं करना चाहिए जो बार बार उनको खुद संशोधन करना पड़े। विगत दिनों छुट्टी के मामले में भी एक पक्ष की कटौती है, फिर उसको स्वीकार करना। शिक्षक संघ का जो अधिकार है उससे हम वंचित नहीं रख सकते। वहीं RJD अच्छे काम की दुहाई दे रही है तो JDU नियमों का हवाला दे रही है। अब जब नीतीश तेजस्वी की सरकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
और शिक्षा में सुधार की व्यवस्था हो रही है तो बीजेपी चिल्ला रही है। भाई शिक्षकों के लिए, पठन पाठन के कार्यों के लिए और सरकारी विद्यालयों में कैसे बेहतर पढ़ाई हो लिखाई हो, इसके लिए कोई गाइडलाइन बना है तो इसमें आपत्ति क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीति सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में नीतीश सरकार ने एक कड़क वेल मीनिंग और एफिशिएंट आईएएस अफसर के पाठक जी का वहां पर किया है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। इधर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की दलील है कि शिक्षकों को सरकार बंधुआ मजदूर समझ रही है, नए नए तुगलकी आदेश जारी कर शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, स्कूलों में काम ना करके सिर्फ ऑर्डर निकाली जा रही है। हम चाहते हैं कि बच्चे स्कूल आए, हम चाहते हैं टीचर वक्त पे आए, हम ये भी चाहते हैं कि जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से क्लासरूम होना चाहिए, हम ये भी चाहते हैं कि जो टीचर है उनको पढ़ाने के काम में लगाना चाहिए सिर्फ, लेकिन बिहार के शिक्षकों को बिहार सरकार बंधुआ मजदूर समझ रही। के पाठक के आदेश से शिक्षकों में हड़कंप है तो सियासत को भी मुद्दा मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।